डेरे का पहला कुआ अनमोल खजाना। महाराज जी अक्सर सुनाते हैं कि किस तरह बड़े महाराज जी ने बाबा जी से डेरे में कुआ बनवाने की इजाज़त ली। बाबा जी के समय में बड़े महाराज जी डेरे आने लगे थे। शुरू में वह यहाँ नहीं नए नए थे और यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा जी की सेवादारनी बीवी रुक्को ने बड़े महाराज जी से सुबह पूछा, क्या मैं आपके नहाने के लिए पानी ले आऊँ? बड़े महाराज जी ने सोचा कि वह पानी ब्यास नदी से ले आए लाएगी, जो इन दिनों बिल्कुल पास ही बहते थे। परंतु जब पानी लाया गया तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह शुद्ध और साफ था। उन्होंने सोचा ये नदी का पानी नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने बीबी रुक्को से पूछा, आप ये पानी कहाँ से लाई हैं? उन्होंने जवाब दिया, वडाइस गांव के कुएं से, जो कि काफ़ी दूर था। बड़े महाराज जी को बड़ा संकोच हुआ कि बीबी रुक्को को उनके लिए इतनी दूर से गाँव से पानी लाना पड़ा। अगली सुबह उन्होंने बीबी रुक्को से निवेदन किया, अगर आप इजाज़त दें तो बाबा जी के स्नान के लिए गांव से पानी मैं लाना चाहूँगा। लेकिन बड़े महाराज जी को अपनी नौकरी के दौरान कोई भी भारी चीज़ उठाकर चलने की आदत नहीं थी और न ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी मेहनत का कोई काम किया था। वह तो फौज में इंजीनियर थे। जब वह गांव गए और पानी का घड़ा अपने सिर पर रखा तो उन्हें बहुत भारी लगा और वह उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर डेरे तक लाए। वापस आते ही उन्होंने सोचा कि बाबा जी और संगत के लिए डेरे में एक कुआ होना चाहिए, इसलिए बड़े महाराज जी ने बहुत हिचकिचाते हुए बाबा जी महाराज से कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ कुआ खुदवाना चाहूँगा ताकि बीबी को गांव तक पानी लेने न जाना पड़े। इसके सिवा यहाँ बहुत से लोग भी आते हैं, वे भी उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। पहले तो बाबा जी ने इनकार कर दिया और कहा, मैं तो साधु हूँ, आज मैं यहाँ हूँ, कल यहाँ अच्छा न लगे तो और कहीं जा सकता हूँ। मैं यहाँ कुछ बनाना नहीं चाहता हूँ, मुझे इस जगह से बांध दें। परंतु बड़े महाराज जी ने बाबा जी महाराज से निवेदन किया, मैं आपको बांधना नहीं चाहता, अगर आप सिर्फ एक बार कुएं का पानी पी लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, आप जहां जाना चाहे जाए, मैं आपको बांधना नहीं चाहता। बाबा जी महाराज बड़े महाराज जी को बहुत प्यार करते थे। वह बोले, ठीक है, मैं तो नहीं बंधूँगा, पर तुम ज़रूर इस जगह से बन जाओगे। इस तरह कुएं की खुदाई शुरू हो गई। उसे बनाने के लिए अधिकांश रुपए बड़े महाराज जी ने भेजा। फिर बाद में बड़े महाराज जी की समझ में आया कि बाबा जी के शब्दों का क्या मतलब था। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब करिए मित्रों।